हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर है, ये पेपर है आपका पंजाब का एंड दिस इज़ रिलेटेड टू पीएसएसबी। पीएसएसबी के अंतर्गत क्लर्क एंड डीईओ की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है 2024 में और ये एग्ज़ाम हुआ है 14th of September 2024 को। और इस पेपर के अंदर कई सारे क्वेश्चंस हैं, बट हम यहाँ पर बात करेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन की जो है पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर कुछ जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोयम पिंजरे पिया पंछी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर भाई वीर सिंह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। द फर्स्ट वर्जन ऑफ गदर मैगजीन वॉज पब्लिश्ड इन द उर्दू लैंग्वेज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट द समर ओलंपिक 2028, दैट इज लॉस एंजलिस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग दैट इज प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, कृष्णदेव राय द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर कंपोज्ड अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट इज नेम्ड एज अ अमुक्ता माल्यम, इट इज़ रिटन इन विच लैंग्वेज? सो इट इज़ रिटन इन द तेलुगु लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55। 56 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज करेक्ट अबाउट द ब्यास रिवर? सो यहाँ पर ब्यास रिवर ओरिजिनेट एट द हाइट ऑफ 4361 मीटर्स फ्रॉम द मीन सी लेवल, ये करेक्ट है। इट डिबेंचेस इनटू द प्लेन ऑफ तलवारा इन होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट, ये भी करेक्ट है आपका। पंदोह डैम इज बिल्ड ओवर दिस पर्टिकुलर रिवर, ये भी करेक्ट है। सोन चीती वेन आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज, ये भी करेक्ट है। चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 56 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57, नेम द सूफी सेंट हु इज आल्सो फेमस विद द नेम शेख सरवार, तो यह है सैयद अहमद सुल्तान, ऑप्शन बी होगा यहां पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कौन सी चीज़ यहां पर नॉट करेक्टली मैच्ड है? सो एडवाइजरी कमिटी जेवी कृपलानी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 58 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फीवर इन ह्यूमन बींग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सो कॉमन कोल्ड एस्कैरिसिस, ये आपका इनकरेक्टली मैच्ड है, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लाला लाजपत राय वॉज बॉर्न इन 28th of January 1865, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 60। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तो 61 में नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है महाराणा रंजीत सिंह से। सो नकाई मिसल 1811, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर असेंबल्ड इंडिजिनसली परम शिवाय इज कॉल्ड और इज इंस्टॉल्ड इन, इट इज़ इंस्टॉल्ड इन IIT BHU वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द आदि ग्रंथ? तो यहाँ पर कंपाइलेशन ऑफ आदि ग्रंथ वॉज कम्प्लीटेड इन 1606, ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, हु इज द ऑथर ऑफ मध्य एशिया का इतिहास साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर बुक? तो 64 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा राहुल सांकृत्यान, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा 64 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 65। विंबलडन ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद टेनिस, वॉकर्स कप इज एसोसिएटेड विद द गोल्फ, ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, When the river originates from the hills and flow in all direction, the drainage pattern is radial. Option D is the correct answer. In 1919, a team comprises dozen of scholars initiated the task of preparing a critical edition of Mahabharata.
विच ऑफ दीज आर द टीम लीडर्स? 68 का करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा वी एस सुखथांकर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 69, इफ राइस इज एसोसिएटेड विद द खरीफ देन वेजिटेबल्स आर एसोसिएटेड विद द जायद, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट आर एलिजिबल फॉर पद्म अवार्ड? सो सर्विंग डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट आर एलिजिबल फॉर द पद्म अवार्ड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहां पर रहना चाहिए। ठीक है, इन द गुरु ग्रंथ साहिब बानी गुरु अमरदास जी इज अवेलेबल इन हाउ मेनी रागस? सो 71 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 17 राग, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सब यूज इन सबमरीन टू सी द ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल दैट इज पेरिस्कोप, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 72। 73 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसल वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दल खालसा? सो नॉट अ पार्ट पूछा गया है तो यहाँ पर रहेगा आपका पुलकियान मिसल, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया? तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर कंडक्टेड इन 25th of October 1951 टू 52 21st of February, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पर आपसे पूछा है विच नेम द मुगल किंग हु ऑल्सो मैंशन द वर्ड पंजाब इन द हिज बायोग्राफी? तो ऑटोबायोग्राफी में जहांगीर ने लिखा है ये नाम द वर्ड बेसिकली, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट? तो यहाँ पर है गोपी चंद थोकाकुरा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 76 का। क्वेश्चन नंबर 77, ऑथर ऑफ तीर्थावली, तो इसके जो ऑथर है वो कौन है? वो है संत नामदेव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाउस ऑफ द पीपल इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म एक्टर वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन 70th फिल्म नेशनल फिल्म 2024? 79 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दैट इज बी, ऋषभ सेट्टी। हु इज हु ऑफ द फॉलोइंग गिव द नेम पेंटा पोटमिया टू पंजाब? तो ये नाम दिया था किसने? क्रीक्स ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 81, हु वॉज द फर्स्ट टेस्ट सेंचुरियन इन इंडियन क्रिकेट? 81 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सुनील गावस्कर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लॉक ऑफ अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, दैट इज कालानौर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हड़प्पा रिमेन्स एट रूपनगर वॉर एक्सक्रेक्टेड सॉरी एक्सकेवेटेड बाय, इट वॉज एक्सकेवेटेड बाय द आर डी बंदोपाध्याय, दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर। 84, द रिक्टर स्केल द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एन अर्थक्विक मैग्नीट्यूड वॉज डिवाइस्ड इन 1935 बाय अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट दैट इज चार्ल्स एफ रिक्टर एंड बेनो गुटेनबर्ग्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड साइकिल डे सेलिब्रेटेड ऑन 3rd June, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 86, व्हेन डिड द इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एंड रिसर्च सेटअप? सो इट इज सेटअप इन जनवरी 1989, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी? तो यह है चंपारण मूवमेंट 1917, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, When did the Sahitya Academy formally inaugurated by the government of India? So 88 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 12 मार्च 1952। क्वेश्चन नंबर 89,
द आर्टररी ऑफ रंजीत सिंह वॉज डिवाइडेड इंटू फोर कैटेगरीज विच अमंग देम इज नॉट। तो इस क्वेश्चन का मुझे प्रॉपर आंसर नहीं पता है, क्वेश्चन नंबर 89 का, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर भी स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ टॉपिक ऑफ राइटिंग धानी राम चरक। तो यहाँ पर आपका सीजन रहेगा ऑप्शन, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेस्कॉम डायरेक्टर और प्रेसिडेंट। ये है आपके राजेश राजेश नाम्बियार, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा 91 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ द पेपर PSSB क्लर्क एंड DEO एग्ज़ाम जो आपका 2024 के अंदर कंडक्ट किया गया है ऑन 14th ऑफ सेप्टेम्बर को। ठीक है, सो जिसके अंदर हमने GK GS के क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।